मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको दो तरीके के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये पहले तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज भेजी थी और कुछ फॉर्मूले भेजे थे, उस बेस पर क्वेश्चन होने। एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन हैं। और दूसरे तरीके के क्वेश्चन ये हैं इवेलुएट, जो हमने पिछले टर्न पर आपको 66 फॉर्मूले फॉर्म करना बताए थे और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे और आप भी वो फॉर्मूले फॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। यहाँ हमें दिया है a इक्वल टू 30 डिग्री और प्रूफ करना है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है a इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। अगर हम इसकी LHS लेके चलें तो साइन 2a इक्वल टू साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी अंडर रूट 3/2 होती है। इसी तरीके से अब हम RHS लेके चलें, 2 साइन a cos a की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो 2 साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री, तो 2 साइन साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 3/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड इक्वल आ गई है, LHS इक्वल टू RHS, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 10th स्टैंडर्ड का ही है। हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू आपको 45 डिग्री दिया है और ये भी फार्मूला है, आइडेंटिटी है, साइन 2a इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला किसी भी a की किसी भी वैल्यू के लिए प्रूफ होता है, चाहे हम 45 डिग्री रखें, 30 डिग्री रखें, 60 डिग्री रखें, हर एंगल के लिए फार्मूला ट्रू होगा। यहाँ पर हम बात करें 45 डिग्री के लिए, तो LHS ले लें, टेन 2a इक्वल टू टेन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू टेन 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कितनी, इंफिनिटी, इक्वल टू इंफिनिटी। अब अगर हम इसकी RHS लेके चलें तो RHS में हमें दे रखा है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, a की वैल्यू अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं तो 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 1, 2 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल आ गई है, LHS इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। तो बच्चों इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। अगर आपको 90 डिग्री तक की वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी जब ही हम यहाँ पर इनके मान रख पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूफ करना है कि cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 3। बच्चों हमने आपको पहले ही बताया यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई का मतलब यहाँ 22/7 नहीं है, यहाँ पाई का मतलब है पाई रेडियन। जब भी पाई एंगल के फॉर्म में लिखा हो तो वो रेडियन माना जाता है, रेडियन होता है, या पाई रेडियन, और पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री रेडियन, ये रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ जहाँ भी पाई की वैल्यू आएगी उसकी जगह हम 180 डिग्री रख देंगे। तो अगर हम LHS लिखे चलें क्वेश्चन 3 में, LHS है cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6। पहले हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, पाई अपॉन 4, 180 अपॉन 4 करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, जो हो जाएगा cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे
cos 45 डिग्री 1 upon under root 2 होता है, sin 45 भी 1 upon under root 2 होता है, माइनस sin 30, sin 30 वैल्यू 1 upon 2 होती है, तो 1 upon 2 square. So this becomes 1 upon under root 2 into under root 2 करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 1 upon 4, LCM लेके अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 minus 1, 1 upon 4, इसका LHS आ गया 1 upon 4, और हम देखते हैं RHS की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, तो हम RHS लेके चलें, cos square pi upon 3 equal to, cos square pi upon 3 का मतलब है, cos pi upon 3 का whole square, and cos pi upon 3 means cos 60 degree, और cos 60 की वैल्यू होती है, 1 upon 2, then 1 upon 2 whole square, that is 1 upon 4, यहाँ पर हम स्टूडेंट देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ चुका है और ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से जो हमने एक एक्सरसाइज आपको भेजी थी, आप इस तरीके से वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे 4:30 से 5:30 के बीच में फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट ये दूसरे तरीके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो मैंने आपको 66 फॉर्मूले आपको फॉर्म करना सिखाए थे, बनाना सिखाए थे, उन्हीं बेस पर ये क्वेश्चन करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि 90 डिग्री तक की टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे हमने एक टेबल आपको भेजी है जिसमें 180 डिग्री तक के फॉर्मूले वैल्यूज हैं, 180 डिग्री तक आप याद कर लें बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपको 90 डिग्री तक की टेबल याद होगी। हमें मान लीजिए साइन 300 की वैल्यू निकालनी, साइन 300 डिग्री, ये वैल्यू दो तरीके से निकाली जा सकती हैं। हम 300 डिग्री को 270 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों तरीके की वैल्यू सेम आएंगी, आप जिससे भी करना चाहें। तो हम मान लीजिए इसको लिख दें साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 360 माइनस 60 300 हो जाएगा। हमने 360 से ही इसको ब्रेक क्यों किया, क्योंकि आपको 360 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला पता है, और अब इसको फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था सबसे पहले हम देखेंगे हम किस क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा, आप यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं, यहाँ पे 360 माइनस थीटा कहाँ पर हम होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। तो सबसे पहले हम साइन देखेंगे, और 360 पर नो चेंज रहते, जो फंक्शन है वही का वही फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन में देखें अगर, तो ये आपका साइन 360 माइनस थीटा या साइन है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री, 360 से कोई चेंज नहीं आएगा, तो वैल्यू हमारी माइनस आगे आ गया, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। मान लीजिए बी क्वेश्चन है, यहाँ पर बी पार्ट है कॉस माइनस 315 डिग्री। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगे कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा हम होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, जीरो डिग्री माना जाएगा, कॉस जीरो माइनस 315 डिग्री, तो जीरो पे नो चेंज, पे आपका आ जाएगा कॉस 315 डिग्री। और अब हम इसको फिर से ब्रेक कर दें, दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, 270 प्लस 45 या 360 माइनस 45, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री इसको हम लिख दें, और कॉस 360 माइनस थीटा फिर से हम यहीं पे आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, 360 माइनस थीटा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, 360 से नो चेंज। इस तरीके से हम यहाँ देखें तो ये आपका आ जाएगा कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम इसके सी पार्ट की बात करें तो कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 30 डिग्री, कॉस 180 प्लस 30, कॉस 180 प्लस 30 करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, और 180 से नो चेंज। तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका आ जाएगा
माइनस का, क्योंकि वहां पे टेन और कॉस पॉजिटिव है और वन एस टी नो चेंज, तो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 की वैल्यू आप यहां लिख दें, कॉस 30 होता है अंडर रूट 3/2। अगर हम यहां डी पार्ट लें तो डी में दिया है कॉस माइनस 780 डिग्री, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये आपका आ जाएगा कॉस 780 डिग्री। जब वैल्यू 360 से बड़ी हो जाए, तो हमने सबसे लास्ट में आपको फॉर्मूले बताए थे जिसमें एल लगा के हमने फॉर्मूला बताया था, तो हम इसको 360 से मल्टीप्लाई करके इसको ब्रेक करेंगे। तो अगर हम इसको लिखें इक्वल टू कॉस 2 × 360 डिग्री, 2 का मल्टीप्लाई करके देखें, 3 का मल्टीप्लाई करके देखें, अगर आगे चले जाते हैं तो हम कुछ माइनस करके यहाँ पर वापस आएंगे, अगर पीछे रह जाते हैं मल्टीप्लाई करके तो हम कुछ प्लस करके यहाँ पर पहुँचेंगे। 360 डिग्री प्लस 2 हो गया 720 डिग्री, और यहाँ लाना कितना है 780 डिग्री, तो कितने की कमी रह गई 60 डिग्री की, तो इसमें हम लिखते हैं प्लस 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, 720 प्लस 60 780 डिग्री, और n इंटू 360 माइनस थीटा, हमने बोला था n फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा n का। अगर हम 360 प्लस थीटा की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा cos, तो पॉजिटिव रहेगा 360 से नो चेंज, तो cos 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब अगर वैल्यू हमें पाई में दी, तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे पाई की वैल्यू, तो पाई की जगह बच्चों कितना लिख दें 180 डिग्री लिख देते हैं, अपॉन 4 से कैंसिल कर दें अगर इसको, तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, 45 × 15 कर दें तो साइन 675 डिग्री, फिर से ये 360 से ज़्यादा हो गया जाके, तो फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई करके वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, 2 × 360, कहाँ पहुँच गए हम 720 डिग्री पर, और अभी हमारे पास है कितना 675, माइनस कर दें तो कितने की कमी हमारे पास रह गई है 45 डिग्री की, तो हम यहाँ देखेंगे माइनस, हमें माइनस करना पड़ेगा 45 डिग्री। फिर से यहाँ पे साइन n इंटू 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला वही बनता है 360 माइनस थीटा, हम होंगे कहाँ पे 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है, जबकि यहाँ साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, और 360 से नो चेंज तो आपका हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, और माइनस साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू हमें दी हो हम उनके मान निकाल सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन और अभी आपके डाल देंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे।